क्या बात है, देर क्यों हो गई? लीला जरा देखना तो। आपने अपने जीवन साथी के रूप में सुमन पैसे पायलट को क्यों चुन लिया जी? वो इसलिए कि सुना है कि चांद और सितारों में भी आबादी है, कभी ना कभी वहां के चार कराएगा। मैंने कहा आपकी मोहब्बत हवा में शुरू हुई या जमीन पर? जी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मोहब्बत को हवा और जमीन से क्या वास्ता, भाई कहीं भी शुरू हो सकती है। ये आपकी मर्जी की शादी है या सेठ जी की मर्जी की? हम दोनों की मर्जी की। अब मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, शादी का समय बीता जा रहा है। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू। ठहरिए मैडम। माफ कीजिए मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। समय गुजर जाने के बाद सवालात का जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए दीदी। ठहरिए, फिर मजबूर होकर उन चार दिनों के बारे में जब आप जहाज से भागी थी, जो मन समाएगा लिख दिया जाएगा। अगर बिना समझे बुझे लिख दिया जाएगा तो अखबार प्रेस में कुआ दिया जाएगा। मदारी लाल की सराय से निकलकर और किसी गरीब आदमी का मजाक उड़ाकर आपको घर वापस लौटने का क्या अधिकार था? मेरी मर्जी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती, कोई जवाब नहीं देना चाहती। आपको जवाब देना होगा खूबसूरत पला। तमीज से बात कीजिए, अब मैं किसी और की बनने वाली हूँ। जानता हूँ, भगवान रक्षा करे सुमन। बात क्या है, क्या चाहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? सागर। और मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अपना रुपया चाहता हूँ। रुपया? जी हाँ। यही इंसानियत है डैडी, ये जितना रुपया चाहे इन्हें दे दीजिए। बहुत अच्छा बेटी। ये लीजिए 1,25,000 रुपया। मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। मुसाफिर खाने का किराया 5 रुपए, टोपी और बैग गिरवी रखी 10 रुपए, 12 आने की गाजरे मूलियां भुट्टे, 12 आने की गाजरे मूलियां भुट्टे कुल 15 रुपए 12 आने। जी हाँ, वो भी उसूल के लिए वसूल कर रहा हूँ, वरना कोई गरीब आदमी होता तो माफ कर देता। मानता हूँ खुदा बख्श, आदमी तेरे नजर आते हो। जी हाँ, देखा नहीं चार दिन में कैसा सीधा कर दिया, जो आप 20 बरस में नहीं कर पाए। माफ कीजिए। माफ कर दिया, माफ कर दिया। मैं अभी आ चलूंगा। तो फिर छोड़कर क्यों चला गया था? मैं चला गया था या तू चली गई थी? मैं तो शादी के लिए रुपए का इंतजाम करने गया था, तकिए के नीचे पर्चा छोड़ गया था, पड़ा था। आंखें हैं या बटन, जरा भी शर्म हो तो माफी मांग। तू माफी मांग। तेरे बाप का घर न होता तो खूबसूरत ही नाक तोड़ देता। अरे इसके बाप का नहीं, घर तेरा है, जमा दे जमा दे। सुमन बेटा, आज तूने मुझे डैडी नहीं कहा? डैडी, हमारी शादी का समय निकला जा रहा है। बेबी का नहीं, हाँ तुम्हारी शादी का समय निकल चुका। क्या मतलब? मतलब ये कि बेबी गई कहाँ? अपने मन भावन के साथ। मन भावन के घर जाए बोरी, घूंघट में शर्माए बोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए बोरी, घूंघट में शर्माए बोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना।